हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि मैंने ग्लैम्बर की पूरी डिटेल से वीडियो डाली थी, तो इस गाड़ी के अंदर ये इसका थोड़ा लोअर वेरिएंट है जो कि अपने को सेमी डिजिटल मीटर के साथ में मिलता है। इसके अंदर अपने को डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं है, लेकिन प्राइसिंग इसकी काफ़ी कम हो जाती है, लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये प्राइसिंग कम हो जाती है। जो कि आप इसका, मैं आपको मीटर दिखाऊंगा तो आपको ये भी थोड़ा अच्छा लगेगा। इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह तो नहीं है, लेकिन आपको और बाकी सारे फीचर मिल जाते हैं। तो ये गाड़ी मैं आपको बता दूँ, 125 सीसी के इंजन के साथ में आती है जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। तो इस प्रकार का इसका लुक निकल के आता है जो कि आप देख पा रहे हो, इसका टैंक वगैरह अच्छे से। और ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि सेमी डिजिटल के अंदर आता है। बात कर ले पहले अपन हेडलाइट की, तो वही सेम इसमें हेडलाइट मिलती है LED सेटअप के साथ विथ DRL के साथ में, और बाकी i3 वेस वगैरह के सारे फीचर मिल जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि आप देख सकते हो, जैसा अपने पहले फैशन वगैरह में आता था उस प्रकार का है। ये अपना इंजन स्विच, ये i3S और ये अपना न्यूट्रल का। इसके अंदर अपने को चार्जर वगैरह कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये अपना स्पीडोमीटर, यहाँ पर मिल जाता है अपना ऑडोमीटर। इस गाड़ी के अंदर अपने को ऑडोमीटर मिल जाता है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 मिल जाती है और रियल टाइम माइलेज मिल जाता है। उसी के साथ साथ अपना फ्यूल टैंक कैपेसिटी का, उसका फ्यूल का मिल जाता है। तो ये है अपनी ग्लैम्बर जो कि लगभग आपके 5 से 7 हज़ार रुपये आसानी से बचा देती है एक मीटर के चक्कर में। लेकिन इसमें मेन नेगेटिव ये है कि अपने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह इसमें नहीं मिलती। तो ये हमारी छोटी सी जानकारी थी ग्लैम्बर को लेके, जो कि अपने को हीरो के द्वारा मिलती है। इसकी प्राइसिंग की मैं आपको एक बार दोबारा बात करूँ तो 90 से 95 हज़ार रुपये तक की ये अपने को मिल जाती है। ठीक है जी, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।